जयति जयति देवा कृष्ण चैतन्य चंद्र। जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्र। जयति जयति कीर्ति तस्य जयति जयति भृत्यस्तस्य विश्वेशमूर्ते। जयति जयति नृत्यस्तस्य सर्वप्रियाणां। जय जय जगत जी मन गौर चंद्र। जय जगत जी वन गौर चंद्र। तन देह हृदय तो मार पद जय जय जगतम गल विश्वम्भर। जय जय जगत मंगल विश्वम्भर। थोड़ा भाग रहे हैं, फिर भागने लगे। जय जय जगत मंगल विश्वम्भर। जय जय जत गौरा चंद्र किंकर। जय जय जत गौरा चंद्र किंकर। जय श्री परमानंद पूरी रजीव। जय दाम दर स्वरूप
जय रूप सनातना प्रिय महाशय जय जगदीश गोपी नाथ हृदय जगदीश गोपी नाथ जय जय द्वार पला गोविंदेर नाथ जय जय द्वार पला गोविंदेर नाथ जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टि पात जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टि पात नमते नित्यानंद संगे गौराचंद्र नमते नित्यानंद संगे गौराचंद्र भक्तगण लैया करे संकीर्तन रंग एखने सुना द्वई तेरा आगमन खंडे जे नमते हैला दर्शना एक दिन महाप्रभु ईश्वर आवे से प्रभु ईश्वर आवे से एक दिन महाप्रभु ईश्वर आवे से रामाई रे आज्ञा करी तेन पूर्ण रासे चल रामाई तुमी अद्वैतेर पास तार स्थाने कह गिया हमार प्रकाश
जारो लगी करी लाबी सराराधन जर लगी करी आखी विस्तर कंदन जर लगी करी आते विस्तर कंदन जर लगी करीला विस्तर उपवास से प्रभु तो मारासी भैला प्रकाश से प्रभु तुम्हारासी भैला प्रकाश भक्ति योग बिलाईते तर आगमन अपनी आसिया जात निर्जन कहियो नीचा नंद आगमन पुजार सजा उपहार लैया बारे बोला कत्री कहैया श्रीवस अनुज राम आज्ञा शिर करी वस अनुज राम आज्ञा शिर करी छड़ चली लाथ हरी हरी आनंद बिवल पथ न जाने रमानी पथ न जाने रमानी
सन आज्ञा लैया गेला से इठाई श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र देव की जय हो, उनकी नित्य पवित्र कीर्ति की जय हो, उस विश्वेश्वर मूर्ति के सेवकों की जय हो, उनके समस्त प्रियजनों के नृत्य की जय हो, जगत जीवन गौर चंद्र की जय हो। आप अपने श्री चरण जुगल को मेरे हृदय को प्रदान करें, जगन मंगल विश्वम्भर की जय हो। श्री गौर चंद्र के समस्त किंकरों की जय हो। श्री परमानंद पुरी के जीवन स्वरूप प्रभु की जय हो। दामोदर स्वरूप के प्राण धन प्रभु की जय हो। महाशय रूप सनातन के गौर प्रिय प्रभु की जय हो। जगदीश गोपीनाथ के हृदय स्वरूप गौर प्रभु की जय हो। द्वारपाल गोविंद के नाथ की जय हो। हे प्रभु करते हैं। अब इस मध्य खंड में जिस प्रकार श्री अद्वैत प्रभु ने आगमन करके दर्शन दिया, उस प्रसंग को सुनिए। एक दिन श्री महाप्रभु ने ईश्वर के आवेश में पूर्ण आनंद में मग्न होकर रमाई पंडित को आज्ञा की, रमाई तुम अद्वैत के घर जाओ और उनको मेरे प्रकाश का संवाद सुनाओ। उनसे यह कहना कि जिनको प्रकट करने के लिए तुमने इतनी आराधना की, जिनके लिए तुम इतना रोए हो, तुमने इतने व्रत और उपवास किए हैं, वे तुम्हारे प्रभु आकर प्रकट हो गए हैं। वे अपना भक्ति योग लुटाने के लिए आए हैं। आप शीघ्र ही यहाँ आकर आनंद में नृत्य करो और उनसे एकांत में श्री नित्यानंद जी का आगमन भी कह सुनाना, और जो कुछ भी तुमने देखा है वो सब कहना। रमाई पंडित श्री वास पंडित के चार भाई थे, उसमें एक थे रमाई पंडित, श्रीवास, श्रीनिधि, श्रीपति, श्रीराम। श्रीराम को ही रमाई पंडित यहाँ बोला जा रहा है, श्रीराम पंडित को ही, उन्हीं को भेजा गया था। रमाई पंडित को ही महाप्रभु ने भेजा अद्वैताचार्य को संदेश देने के लिए कि नया नाम है रमाई पंडित, याद रखना चाहिए किसको किस सेवा के लिए नियुक्त किया गया। सबको अपना अपना रोल है, उस रोल में उसी व्यक्ति को सेट किया जाता है। और उनको मेरी पूजा की सामग्री तथा उपहार को लेकर स्त्री सहित तुरंत ही यहाँ आने के लिए कहना। अपनी पत्नी को लेकर आना है और पूजा का उपहार और सामग्री सब लेके आइएगा। यहाँ कुछ व्यवस्था ऐसा मत सोचिए कि यहाँ मिलेगा यहाँ के नहीं, ऐसा नहीं कि आप बोलो कि पूजा का सामान तो छूट गया, यहाँ आप ही दे दीजिए। श्रीवास जी के भाई रमाई पंडित प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके उसी समय हरि हरि स्मरण करते हुए चल पड़े। रमाई आनंद में बेहवल होकर चले जा रहे हैं, मार्ग का भी ध्यान नहीं है, फिर भी श्री चैतन्य प्रभु की आज्ञा को लिए हुए वहां पहुंच ही तो गए। रमाई पंडित ने
अद्वैत आचार्य जी को नमस्कार किया, परंतु आनंद में भरे हुए मुख से कुछ कह नहीं पाते हैं। अद्वैत प्रभु भक्ति योग के प्रभाव से सर्वज्ञ हैं, अतः वे पहले ही समझ गए कि मेरे लिए प्रभु की आज्ञा आई है। वीरा माई को देखकर हंसकर बोले, रामाई देखिया हसी बोले बचना, बुझिया गया है लामा निवार कारण, कर जोड़ा करी बोले रामाई पंडिता, सकल जानिया छ चल त्वरिता, आनंद बिहवाल हैला आचार्य गोसाई, आनंद बिहवाल हैला आचार्य गोसाई, एन नहीं जाने देह आछे को न ठाई, बुझाए अद्वैतेरा चरित्र गहना, बुझाए अद्वैतेरा चरित्र गहना, जानी जाओ नाना मत कहे कथना, कोथार गोसाई आइला मनुष भीतरे, शास्त्र बोले न दी आए अवतारी, शास्त्र बोले न दी मोर भक्ति अध्यात्म वै राग्य ज्ञान मोर, सकल जनाए श्रीनी पास भाई तोरा, अद्वैत चरित्र रा माई भाल जाने, करे किछु आसे मने मने, करे किछु
अनाथ अनुई तेरा चरित अगाध तीर भाल दूसरी तीर कर जा बाध न बोल कह कह रामाई पंडित संत चीतन कनिया कहे रामाई पंडित लागी करी आज भीतर क्रंदन जार लागी करी ला बिस्तर आराधन जार लागी करी ला बिस्तर उपवास प्रभु तो मार लागी अहिला प्रकाश जोग बिलाईते कर आगमन तुम्हार से आज्ञा करी बारे विवर्तन षडंग पुजार विधि जोग सजलैया षडंग पुजार विधि योग सजलैया प्रभु र आज्ञा चल स्त्री कहैया प्रभु र आज्ञा चल सई स्त्री कहैया नित्यानंद स्वरूप हैल आगमन प्रभुरा द्वितीय देह तुमार जीवन तुमी से जान तारे मुई की कही भाग्य थाके मोर तबे एकत्र देखिबु रमाई रमुखे जबे एते का सुनीला तखनी तुलिया बाहू कांदीते
लागीला कांदिया हईला मुरछा आनंद सहित देखिया सकल गण हईला विस्मित हरेक पाइया बाह्य कर नीलुआ नीलु बोले प्रभु अपना प्रभु आइला वैकुंठ छड़िया तब कांदे पुने भूमि ते पड़िया गृहिणी पति व्रत जग माता प्रभुर प्रकाश सुनी कांदे आनंदिता द्वैते रतन आय च्युत नंद नाम परम बालक सेहु कांदे अभिराम द्वैत पति पुत्र सहित अनुचर सब बेड़ी कांदे चरि भीते केवा को नदी के कांदे नहीं परा पर कृष्ण प्रेम मय हैल अद्वैते र घर रहे अद्वैत है ते नारे सिरे भावावे से निरवधि दोलाए शरीरे रमाई रे बोले प्रभु की बलीला मोरे रमाई बोले न झाट चली भारत रे द्वैत बोले सुन रामाई पंडित मोर प्रभु हे न तबे अमर प्रतीत आपन ऐश्वर्य जदी मोरे देखाए चरण तुली दे अमर माथा अद्वैत प्रभु भक्ति योग के प्रभाव से सर्वज्ञ हैं, अतः वे पहले ही समझ गए कि मेरे लिए प्रभु की आज्ञा आई है। वे रमाई को देख हंसकर बोले, मालूम होता है मुझको लाने के लिए आज्ञा हुई है। रमाई पंडित हाथ जोड़कर बोले, आप तो सब जान ही गए, अतः चलिए शीघ्र ही। रमाई पंडित हाथ जोड़कर बोले, आप तो सब जान ही गए, अतः चलिए शीघ्र ही।
तब तो आचार्य गोसाई आनंद में विह्वल हो गए। मेरा शरीर कहाँ है, इसका विज्ञान उन्हें नहीं रहा। श्री अद्वैत के गहन चरित्र को कौन समझ सकता है? जानते हुए भी अनजान किसी नाना बातें वे कहने लगे। वे बोले, मनुष्यों के भीतर गोसाई अर्थात ईश्वर कहाँ से आ गए? बोल रहे हैं कि मनुष्यों के भीतर ईश्वर कहाँ से आ गए? नदिया में अवतार होना किस शास्त्र में लिखा है? कौन बोल रहे हैं? हाँ। मेरी भक्ति, मेरा अध्यात्म, वैराग्य और ज्ञान, इनको तेरा भाई श्रीनिवास भली प्रकार सब जानता है। श्री अद्वैत के चरित्र को रमाई पंडित भी भली भांति जानते हैं, परंतु फिर भी कुछ उत्तर नहीं देते हैं, केवल मन ही मन हंसते हैं। प्रश्न तो पूछ रहे हैं तो उत्तर देना चाहिए, लेकिन समझ रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं लेकिन उनको उत्तर नहीं चाहिए, सब पता है इनको। इसलिए मन ही मन हंसते हैं। श्री अद्वैत आचार्य के ऐसे ऐसे जो चरित्र हैं बड़े ही अगाध हैं, सत्कर्मी ही उन्हें कुछ समझ सकते हैं, अतः उनके लिए तो मंगलकारी है। परंतु कुकर्मी जीव जो उन्हें नहीं समझ सकते, इसलिए उनमें दोष दृष्टि करते हैं, अतः उनके लिए ऐसा चरित्र बाधाकारी है। श्री अद्वैत जी फिर दोबारा बोले, रमाई पंडित कहो तो सही, किस कारण से अचानक तुम्हारा यहाँ आना हुआ है? रमाई पंडित समझ गए कि अब आचार्य देव का चित्त शांत हो गया है, अतः वे अब रोते हुए बोले, हे आचार्य जी, जिन प्रभु को प्रकट करने के लिए आपने इतने आंसू बहाए हैं, इतनी आराधना की है और इतने व्रत उपवास किए हैं, वे ही प्रभु आपके लिए प्रकट हो गए हैं। अपनी भक्ति योग लुटाने के लिए ही उनका आगमन हुआ है और आपके लिए उनके आगे नृत्य करने की आज्ञा हुई है। क्या आइए और नाचिए उनके आगे। विधि के अनुसार षडांग पूजा की सब सामग्री लेकर स्त्री सहित चलिए, यही प्रभु की आज्ञा है। श्रीमन महाप्रभु के द्वितीय देह स्वरूप तथा आपके जीवन स्वरूप श्री नित्यानंद स्वरूप का भी वहाँ आगमन हो गया है। मैं क्या कहूँ, आप तो उनको जानते ही हैं। मेरे भाग्य में होगा तो आप सबके एक साथ दर्शन करूँगा। जब रमाई के मुख से इतनी बातें सुनी तो आचार्य देव दोनों भुजाओं को उठाकर रोने लगे। रोते रोते आनंद में डूबकर बेसुध हो गए। ये देखकर सब लोग विस्मित हो गए। थोड़ी देर में सचेत होकर वे हुंकार करने लगे और कहने लगे, अपने प्रभु को ले आया हूँ, अपने प्रभु को ले आया हूँ, ले आया हूँ। ओहो, मेरे लिए प्रभु अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर आ गए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर लौटते ही और रोते हैं। ओहो, मेरे लिए प्रभु अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर आ गए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर लौटते हैं और रोते हैं। जगत माता पतिव्रता अद्वैत पत्नी सीता देवी भी प्रभु के प्रकाश का समाचार सुनकर आनंद में भर कर रोने लगी। अच्युत आनंद नामक अद्वैत जी का पुत्र जो निपट बालक है, वह भी बराबर रोता ही रहा। छोटा बालक वो भी रो रहा है, अच्युत आनंद नाम। अद्वैत आचार्य तो अपनी पत्नी और पुत्र के सहित रो रहे हैं और उनके घर के चारों ओर जो सेवक लगे हुए हैं वो सब भी रो रहे हैं। कोई कहीं पड़ा रो रहा है। किसी को अपने पराये की सुध नहीं है। इस प्रकार अद्वैत आचार्य का घर प्रेममय हो रहा है। अद्वैत आचार्य स्थिर होना चाहते हैं परंतु हो नहीं पाते। भाव के आवेश में वे अपने शरीर को लगातार हिला रहे हैं। रमाई पंडित से पूछते हैं, प्रभु ने मेरे लिए क्या कहा था? रमाई पंडित उत्तर देते हैं, शीघ्र चले आने के लिए।
अद्वैत जी बोले, सुनो रमाई पंडित, वे मेरे प्रभु हैं। इसका इस बात का विश्वास तभी होगा कि जब वे अपना ईश्वर्य मुझे दिखाएंगे और अपने श्री चरण को उठाकर मेरे मस्तक पर रख देंगे, तब मैं जानूंगा कि वे मेरे प्राणनाथ हैं। यह मैं तुम्हें सत्य 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 कहता हूँ। तबे से जानी मोर हे प्राणनाथ, तबे से जानी मोर हे प्राणनाथ, सत्य 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 कहिलु तो मात्र, रामाई बोले न प्रभु मुई की बोली मु, यदि मोर भाग्य थके नयन देखी मु, तुमार इच्छा प्रभु से तार, तुमार इच्छा प्रभु से तार, तुमार निमित्र प्रभु अवतार, अहिला द्वैत तुष्ट रामेर बचने, शुभ यात्रा उद्योग करिला तत छाणे, पत्नी रे बोलीला झट हो सावधान, बोलीला झट हो सावधान, लैया पूजार सज चल गुयान, पतिव्रता से चैता मेरा तत्व जाने, गंध्यमाल्य धूप वस्त्र असे सविधाने, धूप वस्त्र असे सविधाने, चिर दधि सुना बनी कर्पूर तांबूल, चलीला जथ सवनु पूल, चलीला
आईला आचार्य तुमि बलि बा वचन देखि प्रभु मोरे तबे कि बोले तान गुप्त थको मुई नंदन आचार्य रघरे आईला बोली तुमी परिवार गोचरे सभा रही दाए बैसे प्रभु विश्वम्भर अद्वैत संकल्प किते है लगोचर आचार्य र आगमन जनिया पने ठाकुर पंडित गृह चलिल तखने प्राय जत चैतनेरा निज भक्त गण गुदाई खाया सब मिलिला तखाना। तब मैं जानूंगा कि वे मेरे प्राणनाथ हैं, यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। रमाई पंडित बोले, प्रभु इस विषय में मैं क्या कहूँ। हाँ, मेरे भाग्य में होगा तो यह मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगा। तो आपकी इच्छा है प्रभु, वही उनकी भी है। यह अवतार ही प्रभु आपके निमित्त हुआ है। रमाई पंडित के वचनों से श्री अद्वैत जी संतुष्ट हुए और तुरंत ही शुभ यात्रा के लिए उद्योग करने लगे। वे पत्नी से बोले, शीघ्र तैयार हो जाओ और पूजा की सामग्री लेकर आगे आगे चलो। वे पतिव्रता देवी श्री चैतन्य प्रभु के तत्व को जानती हैं। वे सुगंध माला धूप वस्त्र दूध दही सुंदर नवनीत कपूर पान इत्यादि पूजा विधि के लिए आवश्यक समस्त सामग्री को लेकर चली। श्री अद्वैत महाप्रभु पत्नी को लेकर चले तो सही, परंतु मेरे आने की बात प्रभु से कभी कहना ही नहीं, ऐसा कहकर रमाई को मना भी करते हैं। तुम तो यूं कहना कि आचार्य नहीं आए। बोले कि जाके तुम बता दो कि आचार्य नहीं आए। मैं बुलाने गया था, आचार्य नहीं आए। देखें तब क्या कहते हैं प्रभु। मैं तो नंदन आचार्य के घर में छिप कर रहूंगा और तुम जाकर उनसे बोल देना कि वे नहीं आए। तू विश्वम्भर प्रभु तो सबके हृदय में विराजमान है, अतः अद्वैत आचार्य का संकल्प उनके चित्त में प्रत्यक्ष हो गया और नवद्वीप में उनका आगमन जान करके वे तुरंत ही स्वयं श्रीवास पंडित के घर को चल दिए। भगवान तो जान गए अंतर्यामी के आ गए हैं, तो श्रीवास पंडित के घर चल दिए। श्री चैतन्य प्रभु के जो निज भक्त जन हैं, वे भी प्राय सभी प्रभु की इच्छा से श्रीवास के घर में आकर मिले। परंतु प्रभु आवेश भाव में हैं समझकर उन सबको बड़ी शंका हो रही है और वे सब चुपचाप बैठे हैं। इतने ही में देवताओं के साथ विश्वम्भर प्रभु हुंकार करते हुए विष्णु सिंहासन पर जाकर चढ़ बैठे। भगवान विष्णु के सिंहासन पर बैठ गए जाकर।
और बार बार कहने लगे, नाड़ा मेरी ठकुराई देखना चाहता है। नाड़ा मतलब द्वैताचार्य, आ रहा है लेकिन मेरी भगवान हूँ मैं, ये देखना चाहता कि मैं भगवान हूँ। श्री नित्यानंद जी प्रभु के संकेत को सब जानने वाले हैं, वे समझ गए कि प्रभु इस समय अपना ईश्वरीय भाव में हैं, और उन्होंने तुरंत ही छत्र लेकर प्रभु के मस्तक पर धारण कराया। नित्यानंद प्रभु छत्र लेकर खड़े हो गए पीछे छत्र। श्री गदाधर भी भाव समझ कर पान और कपूर देने लगे, और सब भक्त लोग यथायोग्य सेवा में तत्पर हो गए। कोई स्तुति पाठ कर रहे हैं, कोई किसी सेवा कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे ही समय में रमाई पंडित सामने दिखाई पड़े। उसके कुछ न कहने पर प्रभु स्वयं रमाई से कहने लगे। रमाई पंडित आए, कुछ बोले नहीं, खड़े हो गए आगे। प्रभु स्वयं रमाई से कहने लगे, मेरी परीक्षा के लिए नाड़ा ने तुमको भेजा है, क्यों है ना, टेस्ट करना चाहता है कि मैं जानता हूं कि नहीं। मैं जानता हूं कि वह नाड़ा आ रहा है। ऐसा कहते हुए प्रभु सिर को हिलाते हैं और कहते हैं, सब कुछ जान करके भी यह नाड़ा मुझे हमेशा छेड़ता रहता है। तो सब पता है कि मैं भगवान हूँ, फिर भी छेड़ता रहता है मुझे। बार बार मेरे को प्रूफ करने के लिए बोलता है कि प्रूफ करो कि आप भगवान हो, हैं ना। हम लोगों के लिए बोलते हैं ना, उनको तो क्लियर ही है, हम लोगों को विश्वास नहीं होता। आप तो यहाँ नंदनाचार्य के घर में रह गया, खुद तो नंदनाचार्य के घर में रुक गया, और तुझे मेरी परीक्षा के लिए यहाँ भेज दिया। भाई कुछ बोले नहीं, खड़े हैं अभी, अपने आप बता रहे हैं। तो जाकर जल्दी उसको यहाँ ले आओ, यह मैं प्रसन्न मुख से कह रहा हूँ। अब तरमाई पंडित फिर बड़े आनंद से चले, और जाकर उन्होंने अद्वैत प्रभु को सब वृतांत सुना दिया कि वो तो पहले से ही जान गए कि आप छुपे हुए हैं यहाँ पे। अद्वैत आचार्य तो सुन करके आनंद में मग्न हो गए और प्रभु के निकट चले। उनके मन का संकल्प पूरा जो हो गया, वे दूर से ही दंडवत करते हैं और स्तुति पढ़ते हुए स्त्री के सहित आए, और निर्भय पद जो श्री गौरचंद्र प्रभु हैं उनके समीप आ पहुँचे और सन्मुख हुए, तो अखिल ब्रह्मांड भर से विलक्षण एक रूप और वेश का दर्शन किया। प्रभु का कोटि कंदर्प विजयी सुंदर लावण्य है, ज्योतिर्मय सुंदर कंचन कलेवर है, प्रसन्न श्रीमुख कोटि चंद्रमाओं का स्वामी है। उस प्रसन्नता से मानो तो यही प्रतीत होता है कि आप श्री अद्वैत के प्रति अत्यंत दयावान हैं। आइला निर्भया पदा हईला सन्मुखे, निखिल ब्रह्मांडे अप रूप वेश देखे, सिरा गजिनिया कंदर्प कोटि लावण्य, राग जीनिया कंदर्प कोटि लावण्य सुंदर, जीनिया कंदर्प कोटि लावण्य सुंदर, जीनिया कंदर्प कोटि लावण्य सुंदर, ज्योतिर्मय कनक सुंदर कलेवर,
प्रसन्न बदना कोटि चंद्र रा ठाकुर तेर प्रति जन सदय प्रचुर दुई बाहु कोटि कना के स्तंभ जीनी ही दिव्यालंकार रत्न रखे चानी श्री वत्स कौस्तुभ महा मणि शोभे वक्षे मकर कुंडला बजा यंती माला देखे मकर कुंडला बजा कोटि महासूर्य जीनी तेजे अंत नाही पद पद में रमा छत्र धरए अनंत की बा नख की बा मणि न पारे चिन्हिते त्रिभंग बाजाए बांसी हसीते हसीते किबा प्रभु किबा गण किबा अलंकार देखी पड़ी आछे चारी पंच सतमो महा भय स्तुति करे नारदा दिसु मकर वाहन रथ एक बरंगना दंड परण में अच्छे जिन गंगा समा अब देख स्तुति कर सहस्र बदा देखे ज्योतिर्मय देवगण फूलटिया चाहे निज चरण रतले सहस्र सहस्र देव पड़ी कृष्ण बोले जे पूजार समय जे देव ध्यान करे ता देखे चारि दिगे चरण रत
किया संभ्रम दंड परणम छाड़ी उठिला द्वैत तद्भुत देखी बड़ी देखे सप्तपणा धर महानाग ऊर्ध्व बाहु स्तुति करे तुलि सब फण अंतरिक्षे परिपूर्ण देखे दिबेर गज हंस अश्विनी रोधिल वायु पथ कोटि कोटि नाग वधु सजल नयन कृष्ण बोली स्तुति करे देखे विद्यमाने अंतरिक्ष स्थान नहीं अवकाशे देखे मंगिया छे महर्षि गण पासे महा ठकुराल देखी पाइला संभ्रम पति पत्नी किछु बलि बारे नहीं क्षमा परम सदय मति प्रभु विश्वभर चाहिया अद्वैत प्रति करिला उतर तुमार संकल्प लागी अवतीर्ण आमी विस्तर आमार आराधन कहिले तुमि सुति आया छिलु क्षीर सागर भितरे निद्रा भंग मोर तोर प्रेम रहुकारे प्रभु का कोटि गंधर्व अद्वैताचार्य का जो जब पहुंचे तो जो रूप का दर्शन कर रहे हैं भगवान को उस रूप का वर्णन सुनिए रूप का दर्शन प्रभु का कोटि कंदर विजयी सुंदर लावण्य है ज्योतिर्मय सुंदर कंचन कलेवर है प्रसन्न श्रीमुख कोटि चंद्रमाओं का स्वामी है उस प्रसन्नता से मानो तो यही प्रतीत होता है कि आप श्री अद्वैत के प्रति अत्यंत दयावान हैं कोटि कंचन स्तंभ जयी आपके भुज युगल हैं जिन पर रत्न जटित दिव्य अलंकार सुशोभित हैं वक्षस्थल पर श्रीवत्स और कौस्तुभ महामणि और वनमाला शोभा दे रही है कानों पर मकराकृत कुंडल हैं कोटि महासूर्य पराजय करने वाला आपके तेज का अंत नहीं है लक्ष्मी देवी चरण कमलों की सेवा कर रही हैं अनंत देव छत्र धारण किए हुए नख है या मणि पहचाने नहीं जाते नाखून जो है नाखून है या मणि क्लियर नहीं हो रहा कन्फ्यूजन हो रहा है त्रिभंग खड़े हंसते हुए बंसी बजा रहे हैं त्रिभंग ललिता क्या तो प्रभु क्या सेवक गण और क्या अलंकार सबका अद्वैत आचार्य ज्योतिर्मय छोड़ और कुछ नहीं देख पाते तो हर चीज ज्योतिर्मय है और यह भी देखते हैं कि चतुर्मुख चतुर्मुख मतलब ब्रह्मा जी पंचमुख मतलब शिव जी सतमुख मतलब सौ मुख वाले देवता श्री चरणों पर पड़े हुए हैं भगवान कृष्ण के रूप में दर्शन दे रहे हैं किस रूप में
कृष्ण रूप बंसी बजा रहे हैं, अनंत शेष पीछे खड़े हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और ब्रह्मा शिव और जितने देवी देवता हैं सब, कोई सब मुख का भी है, सब जिसका सब मुंह है, सब भगवान के चरणों में पड़े हुए प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत गिरे हुए हैं। और सुख नारद आदि सारे ऋषि बहुत डर डर की स्तुति कर रहे हैं, डर डर की स्तुति कर रहे हैं कुछ गलती ना हो जाए। और गंगा देवी जैसे कोई एक सुंदर रमणी मकर वाहन रथ पर से उतर करके दंडवत प्रणाम कर रही हैं, मगरमच्छ पे चढ़ के गंगा जी वहाँ पहुँच गई और गंगा जी उतर के मगरमच्छ से जाके प्रणाम कर रहे हैं दंडवत। अद्वैत आचार्य जो सीन देखे ना, बोले ना कि जाऊँगा तो पहले ईश्वर देखूँगा तब मानूँगा कि भगवान है, ईश्वर दिखा रहे हैं। फिर देखते हैं कि सहस्र वदन शेष जी स्तुति कर रहे हैं, हजार मुखों वाले शेष अनंत शेष स्तुति कर रहे हैं, तथा चारों ज्योतिर्मय देवता दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ देवता ही देवता खड़े हैं चारों तरफ। उधर से दृष्टि फिरी तो देखते हैं कि अपने पाँव के ही नीचे हजारों देवता पड़े हुए कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, उन्हीं के चरणों पर हजारों देवता लेटे हुए हैं। किसके नीचे? चरण पे, आचार्य के चरणों पे, और कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। पूजा के समय जिन देवताओं का वे ध्यान किया करते थे, जब पूजा करते थे तो देवताओं का ध्यान करते थे, आज वे चारों ओर अपने पाँव के ही नीचे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी ध्यान करते थे पूजा करते थे पूजा करते वो सारे देवता चरण में पड़े हुए हैं। ऐसा अद्भुत रहस्य देखकर श्री अद्वैत दंडवत प्रणाम को छोड़ हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए हैं। दंडवत प्रणाम कर रहे थे उठ के खड़े हुए तो देखते हैं कि सात सात फण वाले महानाग का समूह अपनी फण रूपी सब बाहुओं को ऊपर उठाकर स्तुति कर रहे हैं। सात फण वाले नाग, कई सारे नाग हैं, सात सात फण हैं जिसके, सब स्तुति कर रहे हैं। आकाश दिव्य रथों से भर गया है, आकाश में एरोप्लेन विमान चारों तरफ खड़े हैं, ऐसे भी देख रहे हैं। और हाथी पे कोई बैठा है, हाथी है, कोई हंस वाहन पे बैठा है, कोई अश्व आदि को ने वायु का मार्ग ही रोक लिया है, इतने ज़्यादा लोग खड़े हैं कि वायु का हवा घुसने का भी रास्ता नहीं है, उसमें लाइन में खड़े हैं। और भी देखते हैं ये कोटि कोटि नाग पत्नियां अश्रुपूर्ण नेत्रों से कृष्ण कृष्ण कहकर स्तुति करते हुए विद्यमान हैं। पृथ्वी और आकाश में खाली स्थान नहीं रहा, महर्षियों के झुंड भी आसपास खड़े पड़े हुए हैं। प्रभु की इस महान ठकुराई के दर्शन करके पति पत्नी दोनों बड़े भारी संभ्रम को प्राप्त हुए और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुए। तब परम दयालु मति वाले प्रभु विश्वंभर श्री अद्वैत की ओर देख करके बोले, तुम्हारे संकल्प को पूर्ण करने के लिए ही मैं अवतीर्ण हुआ हूँ, तुमने मेरी बड़ी भारी आराधना की है। मैं क्षीर सागर के भीतर सो रहा था परंतु तेरे प्रेम की हुंकारों से मेरी निद्रा भंग हो गई। जीवों के दुख को देखकर जब उसे तुम नहीं सह सके तो सब जीवों का उद्धार करने के लिए तुम मुझे ले आए यहां। चारों ओर तुमने जो ये सब मेरे गण देखे हैं, इन सब का जन्म तुम्हारे कारण ही हुआ है। जिन वैष्णवों के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी मन में कामना ही किया करते हैं, देख नहीं पाते हैं, उनको तुम्हारे कारण अब सब लोग देख पाएंगे। भगवान नहीं, वैष्णवों को देखने के लिए ब्रह्मा आदि देवता केवल कामना करते हैं कि उनके दर्शन हो जाए, ऐसे वैष्णवों को तुम्हारे कारण सारे संसार के सब साधारण लोगों को भी दर्शन होगा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर श्री अद्वैत भुजा उठाकर स्त्री सहित रोने लगे।
बहुत सुंदर एते का प्रभुर वाक्य अद्वैत सुनिया बाहु परी कांदे सप्त स्त्री कहैया से सफल मोर दिन पर जिसे सफल मोर दिन पर जिसे सफल कहू जतय भिला मोर जन्म कर्म सकल सफल साक्षात देखिलु तोर चरण जुगल घोष मात्रे चारि वेद जारे नारी देखे भक्य हे ना तुमी मोर लागी हैला पर देखे मोर किछु शक्ति नहीं तुमार करुणा तुमा बही जीव उधारी बो कौन जाना बोलिते बोलिते प्रेम भाषे न आचार्य प्रभु बोले आमार पूजार कर कार्य आइया प्रभुर आज्ञा परम हरि से चैतन्य चरण पूजे अशेष विशेष प्रथमे चरण धुई सुवासित जले शेषे गंधे परिपूर्ण पाद पद्मे ढाले चंदने डुबाई दिव्य तुलसी मंजरी अर्घे रसहित दिला चरण उपरी गंध पुष्प धूप दीप पंच उपचारे पूजा करे प्रेम जले बहे महाधारे पंच शिखा ज्वाली पुन करे न वंदना से जय जय ध्वनि करे घोषणा करिया चरण पूजा षोडशोपचारे आर बार दिला माल्य वस्त्र अलंकारे शास्त्रे दृढ़ पूजा करे पटल विधाने शास्त्र दृष्टि पूजा करे पटल विधाने यही श्लोक प्रणामी न
नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जिन वैष्णवों के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता मन में कामना ही क्या करते हैं, उनको भी तुम्हारे ही कारण अभी संसार के सारे लोग देख पाएंगे। प्रभु के इन वचनों को सुनकर श्री अद्वैत भुजा उठाकर स्त्री सहित रोने लगे और कहने लगे, आज ही मेरे लिए दिन का प्रकाश सफल हुआ, इस कारण कि आज मेरी समस्त अभिलाषाएं सफल हो गई, आज मेरे जन्म कर्म सब सफल हुए, जो कि आज मैंने आपके जुगल चरणों के साक्षात दर्शन किए। जिनकी घोषणा मात्र ही वेद करते हैं परंतु जिनको देख नहीं पाते हैं, ऐसे आप मेरे लिए प्रत्यक्ष गोचर हुए हैं। आप जो प्रकट हुए हैं यह कोई मेरी शक्ति से नहीं, यह तो केवल आपको आपकी करुणा है। आपके बिना कौन जीवों का उद्धार कर सकता है। इस प्रकार कहते कहते आचार्य देव प्रेम में बह चले। तब प्रभु बोले, मेरी पूजा का कार्य करो। प्रभु की आज्ञा पाकर आचार्य देव महान हर्ष के साथ श्री चैतन्य चंद्र के श्री चरणों की पूजा विशेष प्रकार से करने लगे। पहले सुगंधित जल से श्री चरण कमलों को धोकर उन पर गंध द्रव्य लेपन किया, फिर दिव्य तुलसी की मंजरी को चंदन में डुबोकर अर्घ्य के साथ चरण कमलों पर चढ़ाया। उसके बाद गंध पुष्प धूप दीप आदि पंच उपकार से श्री चरणों की पूजा कर रहे हैं और आपके नेत्रों से प्रेम जल की महाधाराएं बह रही। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो हम लोग भी कर लेते हैं, है ना। लास्ट वाला आइटम, फिर 5 बत्ती जलाकर आप प्रभु की आरती उतारते हैं और फिर प्रणाम करते हैं। अंत में आप जय जयकार की ध्वनि करते हैं। लास्ट में 5 बत्ती जलाकर से लास्ट में बता रहे हैं। ये भी कुछ स्पेशल तरीका है पूजा का। अब फिर षोडश उपचार से 6 चरणों की पूजा करके दोबारा माला वस्त्र अलंकार अर्पण करते हैं। शास्त्र उक्त तंत्र विधि के अनुसार पूजा करके इस श्लोक को पढ़ते हुए दंडवत प्रणाम करते हैं। गो ब्राह्मण हितकारी के लिए नमस्कार है, जगत हितकारी श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है, श्री ब्राह्मणों के पालक श्री गोविंद के लिए नमस्कार है। पहले यह श्लोक पढ़ करके नमस्कार किया, पश्चात नाना शास्त्र के अनुसार स्तुति करने लगे। जय जय सर्व प्राण नाथ विश्वम्भर, जय जय सर्व प्राण नाथ विश्वम्भर, जय जय गौरचंद्र करुणा सागर, जय 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 भक्त वचन सत्यकारी, जय 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 महाप्रभु महावतारी, जय 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 सिंधु सुता रूप मनोरमा, जय जय सिंधु सुता रूप मनोरमा, जय जय श्रीवत्स कस्तुभ विभूषण, जय जय श्रीवत्स कस्तुभ विभूषण, जय जय हरे कृष्ण मंत्रेर प्रकाश, जय हरे कृष्ण मंत्रेर प्रकाश,
जया जया निज भक्ति ग्रहण विलास जया जया निज भक्ति ग्रहण विलास जया जया महाप्रभु अनंत शयन जय 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 सर्व जीवेर शरण जय 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 सर्व जीवेर शरण तुमि विष्णु तुमि कृष्ण तुमि नारायण तुमि विष्णु तुमि कृष्ण तुमि नारायण तुमि मत्स्य तुमि कूर्म तुमि सनातन तुमि मत्स्य तुमि कूर्म तुमि सनातन तुमि से वराह प्रभु तुमि से वामन तुमि से वराह प्रभु तुमि से वामन तुमि करि जुगे जुगे वेदेर पालन कुल हंता जानकी जीवन तुमि रक्षा कुल हंता जानकी जीवन तुमि गुह वरदाता अहिल्या मोचन प्रहलाद लागी कैले अवतार तुमि से प्रहलाद लागी कैले अवतार हिरण्य बधिया नर सिंह नाम जार हिरण्य बधिया नर सिंह नाम जार सर्वदेव चूड़ामणि तुमि द्विज राज चूड़ामणि तुमि द्विज राज तुमि से भोजन कर नीला जल माझ तुमि से भोजन कर नीला जल माझ तुमार से चारि वेद बुले अन्वेषिया आसी रही आछलू काईया तुकाई ते बड़ा प्रभु तुमी महाधीर लुकाई ते प्रभु तुमी महाधीर भक्त जन धरि तोमा करे बाहिर संकीर्तन आरंभे तोमार अवतार अनंत ब्रह्मांड तोमा बई नहिया तोर दुई रवानी चरण कमल एई तोमा दुई खानी चरण कमल इहा से रसे गौरी शंकर विमल ऐसे चरण रमा सेवे कमाने ऐसे चरण रमा सेवे कमाने ऐसे चरण रमा सेवे कमाने
हरि से जस गाए सहस्त्र बदाने इहस चरण ब्रह्मा पूजय सदा श्रुति स्मृति पुराणे हर तत्व गाए सत्य लोक आक्रमी लये से चरणे बलि शिर धरि धन्य हैल इहार अर्पणे से चरण हैते गंगा अवता शंकर धरि लासिरे महावेग जार ऐसे चरण हैते गंगा अवतार तीन ताल सीधा शंकर धरिला सिरे महावेग जान गोटि बृहस्पति जिनी अद्वैते रबुधि भल मते जाने से ही चैतन्य रसुधि वर्णित बदन भासे नयन रजले वर्णित बदन भासे नयन रजले पड़िला दिघल हई चरण रतले सर्वभूत अंतर्जामी श्री गौरांग राय चरण तुलिया बिला द्वैत माथा चरण अर्पण सिरे करिला जखन जय जय महाध्वनि हैल तखन अपूर्व देखिया सभे हैला विवल हरि हरि बोलि सभे करे कोलाहल गड़गड़ी जाए के हो माल साट मारे कारो गला धरी के हो कादे उचे सरे शास्त्री के अद्वैत हैला पूर्ण मनोरथ भाई आचरण सिरे पूर्व अभिमत इस प्रकार से दर्शन करके अब स्तुति कर रहे हैं द्वैत आचार्य जी। पहले श्लोक पढ़े नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उसके बाद नाना शास्त्र के अनुसार स्तुति करने लगे। हे सर्व प्राणनाथ विश्वंभर देव आपकी जय हो। हे करुणा सागर गौरचंद्र आपकी जय हो। हे भक्तों के वचन सत्य करने वाले आपकी जय हो। हे महाअवतारी महाप्रभु
आपकी जय हो। हे लक्ष्मी के मन को रमाने वाले रूपधारी आपकी जय हो। श्री वत्स और कौस्तुभ मणि से विभूषित आपकी जय हो। हे हरे कृष्ण मंत्र के उप प्रकाशक आपकी जय हो। अपनी भक्ति आप ही ग्रहण करना यह भी आपका विलास है, ऐसे आपकी जय हो। हे शेष साई महाप्रभु आपकी जय हो। हे सर्व जीवों के आश्रय आपकी जय हो। तुम विष्णु हो, तुम कृष्ण हो, तुम नारायण हो, तुम मत्स्य हो, तुम कूर्म भगवान हो, तुम ही सनातन हो, तुम वही बराह प्रभु हो, वही बामन भगवान हो, तुम ही जुग जुग में वेद का पालन करते हो, तुम ही राक्षस कुल के नाश करने वाले जानकी जीवन श्री राम हो, तुम ही निषाद राज गुह के वरदाता और अहिल्या के उद्धार करता हो, तुमने ही प्रहलाद के लिए अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था, तब तुम्हारा ही नाम नरसिंह पड़ा था। हे द्विजराज तुम ही सब देवताओं के चूड़ा मणि स्वरूप हो, तुम ही नीलाचल जगन्नाथपुरी में ही भोजन करते हो, तुम ही चारों वेद ढूंढते फिरते हो, सो तुम यहाँ आकर छिपे बैठे हो। छिपने में तुम प्रभु बड़े ही धीर वीर हो, परंतु भक्त जन भी तुमको ढूंढ कर निकाल ही लेते हैं। तुम्हारा अवतार संकीर्तन आरंभ करने के लिए ही हुआ है, अनंत ब्रह्मांडों में तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये जो तुम्हारे जुगल चरण कमल हैं, इनके रसास्वादन में ही श्री गौरी शंकर विह्वल रहते हैं। यही वे श्री चरण हैं कि जिनकी लक्ष्मी जी एकाग्र चित्त से सेवा करती हैं और इन्हीं के यश को हजारों मुख वाले शेष जी गाया करते हैं। इन्हीं श्री चरणों की सदा ब्रह्मा जी पूजा करते हैं। इनके ही तत्व को श्रुति स्मृति पुराण सब वर्णन करते हैं। इन्हीं श्री चरणों ने सत्यलोक आक्रमण किया था और इनके अर्पण करने से ही राजा बलि को सिर धन्य हो गया था। इन्हीं श्री चरणों से गंगा जी का अवतरण हुआ है, जिनके महान वेग को महादेव जी ने अपने शीश पर धारण किया था। श्री अद्वैत आचार्य जी की बुद्धि करोड़ों बृहस्पतियों की बुद्धि को भी जीतने वाली है। वे श्री चैतन्य देव के तत्व को भली भांति जानते हैं। स्तुति करते हुए उनका मुखमंडल नेत्रों के अश्रु जल से भींग गया और वे श्री चरणों के तले लंबे होकर पड़े गए। सर्व प्राणियों के अंतर्यामी श्री गौरांग राय ने अपना चरण उठाकर अद्वैत के शीश पर रख दिया। शीश पर चरण अर्पण करते ही जय 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 महाध्वनि होने लगी। इस अपूर्व चरित्र को देखकर सब विह्वल हो गए और हरि हरि कहते हुए कुलाहल करने लगे। कोई भूमि पर लोटपोट हो गए, कोई ताल ठोकते हुए उछलने लगे और कोई किसी का गला पकड़कर जोर से रोने लगे। पूर्व के अपने संकल्प के अनुसार श्री चरणों को अपने मस्तक पर प्राप्त करके श्री अद्वैत आचार्य स्त्री सहित पूर्ण मनोरथ को प्राप्त हो गए। तब प्रभु विश्वम्भर श्री अद्वैत को आज्ञा करते हुए बोले, अरे नारा मेरे कीर्तन में नाच। प्रभु की आज्ञा पाकर आचार्य गोसाई वहीं पर नाना प्रकार के भक्ति भावों को प्रकट करते हुए नृत्य करने लगे। तब तो कीर्तन की अति मनोहर ध्वनि होने लगी और अद्वैत आचार्य प्रभु के सन्मुख नाचने लगे वे क्षण में तो जोरदार नृत्य करते हैं, क्षण में मधुर नृत्य करते हैं और क्षण में दांतों से बहुत से तिनकों को उठा लेते हैं। वे क्षण क्षण में उठते हैं, क्षण क्षण में गिरकर लोटपोट हो जाते हैं, क्षण में लंबी लंबी सांसें लेते हैं और क्षण में मूर्छित हो जाते हैं। जिस समय जो कीर्तन सुनते हैं उसी समय उस समय वैसा ही हो जाते हैं। एक भाव में स्थिर ही नहीं रह सकते हैं, बस आनंद में बहे ही जाते हैं। अंत में केवल दास भाव रह जाता है। वास्तव में भाव का प्रभाव अचिंत है, समझ में नहीं आ सकता है। अंत में केवल दास भाव रह जाते हैं, बोल रहे हैं। वे दौड़ दौड़ कर महाप्रभु के पास जाते हैं और नित्यानंद जी को देख भौहें टेढ़ी करके हंसते हैं। महाप्रभु के पास दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और नित्यानंद प्रभु की तरफ देख के भौहें टेढ़ी करके हंसते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ निताई जो तुम आ गए, इतने दिन तक तुम्हारा पता ही नहीं था, अब जाओगे कहाँ, आज तो बांध कर रखूँगा। कह रहे निताई को, क्या करें, अब कहाँ जाओगे, इतने दिन से छुप के बैठे थे, अब कहाँ जाओगे, बांध कर रखूँगा, अब तुमको जाने नहीं दूंगा। क्षण में तो निताई से प्रभु कहकर बोलते हैं और क्षण में उनको मतवाला कहते हैं। अद्वैत के इन चरित्रों पर नित्यानंद राय हंसते हैं। गौर कृष्ण की लीला में ये दोनों निताई और अद्वैत एक ही मूर्ति के तो दो भाग हैं। हम पहले ही कह आए हैं कि श्री नित्यानंद नाना रूप में अशेष कौतुक के साथ श्री चैतन्य चंद्र की सेवा करते हैं।
किसी रूप में बोलते हैं, किसी रूप में ध्यान करते हैं, किसी रूप में छत्र और सेज हैं, तो किसी रूप में गुणगान करते हैं। नित्यानंद और अद्वैत में भेद रहित प्रेम जानो, ऐसा जो इनके इस अवतार में जानता है वही भाग्यवान है। नित्यानंद और अद्वैत में कोई भेद नहीं है तत्व के हिसाब से, इसको जो जानता है वही भाग्यवान व्यक्ति है, बाकी सब अभागे। इन दोनों में जो कुछ कलह लीला देखने में आती है वह सर्व सब ईश्वर के व्यवहार के कौतुक विनोद हैं, जो अचिंत्य हैं, प्राकृत मन बुद्धि के अगम्य हैं। इन दोनों की प्रीति ऐसी है जैसी शेष जी और शंकर जी की परस्पर में है। दोनों ही श्री कृष्ण चैतन्य के प्रिय कलेवर हैं। जो इस तत्व को न समझकर इन दोनों के कलह में किसी एक का भी पक्ष लेता है और एक की वंदना और दूसरे की निंदा करता है वह महत अपराध के कारण मरता है। श्री अद्वैत के नृत्य को देखकर सब वैष्णव लोग सर्वथा आनंद सागर में डूब गए। तब श्री अद्वैत के लिए वहाँ ठहरने की आज्ञा प्रभु की हुई। तत्काल उस आज्ञा को सिरोधार्य करके वे वहीं ठहर गए। प्रभु ने भी अपने गले का माला उनको देकर हंसते हंसते कहा, वर मांगो वर मांगो। भगवान बोले क्या, वर मांगो। अद्वैत आचार्य सुनकर के भी कुछ उत्तर नहीं देते हैं और प्रभु भी स्वयंभर बार बार बोलते हैं मांगो मांगो कहते ही हैं। अंत में अद्वैत आचार्य बोले, मैं अब क्या वर मांगू, मैंने तो जो वर चाहा था वो संपूर्ण पा ही लिया। तुम्हारे साक्षात करी आपने नाचिलो चिते रय भीष्ट जत सकली पाइलो। तुम्हारे साक्षात करी आपने प्रभु की बा से साचे आर प्रभु की बाचे आर साक्षाते देखिलु प्रभु तोरय अवतार साक्षाते देखिलु प्रभु तोरय अवतार की बा नाही जान आपने की बा नाही देख तुमी दिव्य दर्शने ढूलैया बोले प्रभु विश्वम्भर ढूलैया बोले प्रभु विश्वम्भर तुम्हार निमित्ते आमी अइलू गोचर घरे करिमु कीर्तन परचार घरे करिमु कीर्तन परचार मोर जसे नाचे जेन सकल संसार मोर जसे नाचे सकल संसार ब्रह्मा भव नारदादी जारे तप करे हे न भक्ति बिलाई मु बलिलु तुमारे भक्ति बिलाई अद्वैत बोले न जदि भक्ति बिलाइबा स्त्री शूद्र अति जत मुख्य
फिरे से दीबा शूद्र आदि विद्याधन कुल आदि तपस्या र मदे कुल आदि तपस्या र मदे तोर भक्ति जे जन बाधे तोर भक्त तोर भक्ति जे जन पापिष्ट सब देखी मरु कपुड़िया सब देखी मरु कपुड़िया चंडल न चुक तोर नाम गुण गाइया द्वैतेर वाक्य सुनी करिला हुंकार द्वैतेर वाक्य सुनी करिला हुंकार प्रभु बोले सत्य जे तुम्हार अंगीकार प्रभु बोले सत्य जे तुम्हार अंगीकार सब वाक्य र साक्षी सकल संसार वाक्य र साक्षी सकल संसार मूर्ख नीच प्रति कृपा होइल ताहार नीच प्रति कृपा होइल चंडला दीना चय प्रभु र गुण ग्रामे मिश्र चक्रवर्ती सबे निंदा जाने संत पढ़ी मुंडा मुड़ी कारो बुद्धि नाश नित्यानंद निंदे वृथा जय बेर नाश तेरा बोले प्रेम पाई ते बोले प्रेम पाई राजगते इस सकल कथा कही मध्य खंड है ते सकल कथा चैतन्य अद्वैत जत हैला प्रेम कथा सकल जाने न सरस्वती जगन माता से ही भगवती सर्व जने रजिवाय अनंत हैया चैतन्य रजस गाय। अंत में द्वैताचार्य बोले मैं अब क्या वर मांगू, मैंने तो जो वर चाहा था वो सब पा लिया। जब आपका साक्षात्कार करके आपके सामने नाच लिया तो मन के सारे मनोरथ पूरे हो चुके। जब प्रभु साक्षात आपके अवतार के दर्शन कर लिए तो अब क्या मांगू और रह भी क्या गया मांगने को। क्या इस बात को आप नहीं जानते हैं, आप अपने दृष्टि द्वारा क्या नहीं देखते। तब प्रभु विश्वम्भर सिर हिलाते हुए बोले तुम्हारे निमित्त ही प्रकट हुआ हूँ, मैं घर घर में कीर्तन का प्रचार करूँगा जिससे कि मेरे यश को गाकर सारा संसार नाच उठे। ब्रह्मा शिव नारद आदि जिस भक्ति के लिए तपस्या करते रहते हैं ऐसी भक्ति में सबको लुटाऊंगा, यह मैं तुमसे कह देता हूँ। अद्वैताचार्य जी बोले यदि भक्ति आप लुटाएं, यदि भक्ति आप लुटाएं तो स्त्री शूद्र मूर्ख और नीच जाति को भी दें। जो लोग विद्या धन कुल और तपस्या के अभिमान में आकर आपके भक्त और आपकी भक्ति को बाधा पहुँचाएं वे सब पापी लोग देख देख कर डाह से जल मरें। ये मैं बर मांगता हूँ आपसे कि पापी लोग जो अहंकार में आकर भक्ति और भक्त और भक्ति में बाधा पहुंचाते हैं, भक्तों को कष्ट देते हैं, वो डाह में जल मरे और चंडाल आपके नाम और गुण को गा गा कर नाचे।
श्री अद्वैत प्रभु के वचन को सुनकर प्रभु ने हुंकार दिया और बोले, तुम्हें जो स्वीकार है वही होगा। ग्रंथकार कहते हैं कि इन सब वाक्यों का साक्षी सारा संसार है। मूर्ख और नीच जनों पर ही प्रभु की विशेष कृपा हुई है। भगवान की चैतन्य महाप्रभु की कृपा किसके ऊपर होती है? मूर्ख और नीच के ऊपर। जो ज़्यादा अपने को हीरो समझते हैं उनके ऊपर कृपा नहीं होती है चैतन्य महाप्रभु। प्रेम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु के गुण को गा गा कर चंडाल आदित्य नाचते हैं और भट्ट मिश्र चक्रवर्ती ये केवल निंदा करना जानते हैं। ग्रंथ पढ़कर और सिर मुड़ाकर किसी किसी की तो बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई है कि वे अपने सर्वनाश के लिए श्री नित्यानंद प्रभु तक की निंदा करते हैं। श्री अद्वैत आचार्य की प्रार्थना करने पर जगत को प्रेम प्राप्त हुआ, यह सब कथा इस मध्य खंड में कहते हैं। श्री चैतन्य देव और अद्वैत प्रभु में जितनी कुछ प्रेम वार्ता हुई वह सब जगत माता सरस्वती जानती हैं। वही भगवती सब जनों की जिह्वा पर अनंत होकर श्री चैतन्य चंद्र का यशगान करती हैं। चैतन्य द्वैत जाता अहिला प्रेम कथा, सकल जानन सरस्वती जगन्माता। भगवती सर्व जन राजिवाए, अनंत हैया चैतन्य रजस गाए। वैष्णवेर पाए मोर नमस्कार, वैष्णवेर पाए मोर नमस्कार, इथे अपराध किछु नहीं को अमार, इथे अपराध के आनंद हैला आचार्य गोसाई, आनंद हैला आचार्य गोसाई, अभिमत पाइला रहिला से ठाई, अभिमत कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गाना। इस प्रकार से सारे वैष्णवों के चरणों में मेरा नमस्कार है, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि जितने वैष्णव हैं उन सारे वैष्णव भक्तों को वृंदावन दास ठाकुर जी नमस्कार कर रहे हैं और कहते हैं कि उनके चरणों में मेरा कोई अपराध ना हो ये मैं प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार आचार्य गोसाई स्त्री सहित बड़े आनंद को प्राप्त हुए और मनोवांछित फल पाकर वहीं ठहर गए। श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानंद चंद्र को वृंदावन दास अपना सर्वत्र जानकर उनके चरण जुगल में उन्हीं के गुण गा गा करके निवेदन करता है। इस प्रकार से श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड श्री अद्वैत मिलनम नाम षष्ठ अध्याय समाप्त हो गया। हरी 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 प्रश्न है कोई? हम भी एक ड्यूटी जानना चाहते हैं कि
तो कल जाएगा गदाधर और पुंडरीक विद्यानिधि जी का मिलन होगा कल, तो बहुत अद्भुत लीला है, उसको सुनने के लिए सब लोग आइएगा। किस प्रकार गदाधर पंडित है ना, जो राधा रानी के अवतार हैं, और पुंडरीक विद्यानिधि जो वृषभानु महाराज उनके पिता के अवतार हैं, तो कैसे दोनों मिलेंगे, अद्भुत लीला है, इसको सुनना बहुत ज़रूरी है ना। तो कल उस लीला का चर्चा किया जाएगा। पूरी लगी अद्भुत है। हाँ हरे कृष्ण।